because they were pushed back by the civilians. And the peace on the ground, which was one of the largest siege that lasted 4 hours, 14 months, started. They have to get into the country, need discipline, sacrifice. जेंटल क्या हाल है? वेलकम जी, वेलकम जी। देखो कहां से कहां के मुलाकात होती है। अच्छा, एंड राइट नाउ ही इज लुकिंग आफ्टर द जैकरिप वॉर मेमोरियल व्हिच इज अजोध वॉर मेमोरियल। अच्छा, एंड ही इज गॉट कोटा स्टोन्स टू पे वे। हां, दे सदर लगे आगे का प्लान ही 10 करते हैं। जेक ले चेक। ओके, बहुत मुबारक हो। आप लोगों को धरोहर में मिली है और अब ये धरोहर ये पुंछ लेकअप डे एक पूरे देश के लिए एक ऐसा उदाहरण है जिसको कि शिक्षा सबको लेनी चाहिए। जिस तरह से मिलिट्री और सिविल ने एक तालमेल बनाया और इस पुंछ को एक आज़ादी दिलाई, ये एक शिक्षा का विषय है और ये सारे स्कूलों में भी पढ़ाया जाना चाहिए। और मुझे खुशी है कि ये जो दिवस है ये आज भी उतने हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और जिस तरह से आज़ादी के दिन मनाया गया था उसी प्रकार से आज भी मनाया जा रहा है। नाउ एज फार एज सिक्योरिटी सिनेरियो इन कश्मीर इज़ कंसर्न, इफ़ यू सी आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इट हैज़ अंडरगॉन अ मेजर चेंज एंड ऑल द ट्रेंड लाइन्स विच आर देयर आर कमिंग डाउन टुडे टू द एक्सटेंट इफ आई कैन से दैट टुडे द पीस एंड डेवलपमेंट इज समथिंग, देर इज़ अ ग्रेट स्पेस टू मीट द पीपल्स एस्पिरेशन, there is a great space. So the civil administration is doing a great job in kind of occupying this space and making sure that the terrorism is put on a back seat. ki kya humne terrorist ko control kar liya hai, iska jawab ye hai bahut had tak ha humne usko control kar liya. To abhi jo bahar ke log hain, jo hamara padosi mulk hai, wo dusre tarike apnate hain. Dusre tarike kis tarah ke hain ki wo abhi पिस्टल्स को यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेनेड्स को भेजने की कोशिश कर रहा है और वो साथ में क्या कर रहा है, ड्रग्स भेजने की कोशिश कर रहा है और इन चीज़ों का तालमेल बना के वो छुटपुट हरकतें कराना चाहता है। और वो छुटपुट हरकतें जब कराना चाहता है तो वो किसको करेगा? वो उस बेबस और असहाय को करेगा जो यहाँ पर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाने के लिए आया था, जो कश्मीरों की सहायता करने के लिए आया था यहाँ पर। आज उसके ऊपर ये जो कार्रवाई की जा रही है बड़े दुख की बात है और उसके लिए पुलिस, फौज और सब कुछ और जो खुद की वहाँ की लोग हैं वो इसमें शामिल हुए हैं कि हम इसको नहीं किसी तरह होने देंगे। इसीलिए आप देखिए ये जो भी हो रहा है वो काफ़ी कम है और उसमें और कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसने भी इस प्रकार की गलती की है उसको उसकी सज़ा मिल रही है। आपने सही बोला है कि जब बड़े बड़े वेपन्स भेजने से फ़र्क नहीं पड़ा, जब उन्होंने देखा कि बाकी देशों में या यूएन में इसको कश्मीर इश्यू को रेस करने का फ़र्क नहीं पड़ा, ओआईसी में रेस करने का फ़र्क नहीं पड़ा, तो इन्होंने कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने शुरू किए हैं जो शोभा नहीं देते। जैसे ड्रग्स बहुत ही तादाद में भेजे जा रहे हैं, पिछले साल जून में तकरीबन 45 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई थी बारामूला में, जिसके साथ वेपन्स, ग्रेनेड्स और ये सारी चीज़ें पकड़ी गई थी। उसी प्रकार से बॉर्डर एरिया में हम बहुत जगह हीरोइन और बहुत सारी तस्करी की ऐसी चीज़ें पकड़ रहे हैं जो कि गलत है। यहाँ तक कि जो हम टेररिस्ट मार रहे हैं उनको भी बोल रहे हैं बॉर्डर में कि नहीं आप स्मगलर मार रहे हो, मतलब आप कहना चाहते हो कि आप यकीन है कि आपको आप यहाँ से ड्रग्स भेज रहे हो।
तो ये निहायत गलत बात है जो पाकिस्तान इस चीज़ को कर रहा है। दूसरी चीज़, जहाँ तक रेडिकलाइजेशन का सवाल है, रेडिकलाइजेशन जो है वो, उसके लिए जहाँ तक आप रिक्रूटमेंट की हम अगर बात करें, ये मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है कि तकरीबन 35% जो रिक्रूटमेंट है जो आज हो रहा है कहीं भी, उसमें ये जो टेररिस्ट बन रहे हैं उसमें 35% लोग 20 साल की उम्र से कम है। तकरीबन 55% जो हैं वो तकरीबन हैं जो कि आपके 20 से 30 साल के बीच में। और ये जो ऐसा एचलॉन है या लेवल है, जिसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? इसके लिए हमारी एजुकेशन को हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारी जो एक अपब्रिंगिंग है जो, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें परवरिश में ध्यान देना पड़ेगा। और इनको हमें ऐसे मौके देने पड़ेंगे कि ये लोग अच्छे स्कूलों में जाएं, बाहर निकलें और भारत के बाकी जगह को समझें कि क्या क्या कार्रवाई हो रही है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने तकरीब 1800 स्टूडेंट यहाँ से बाहर के प्रदेशों में भेजे हैं जो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ड्रोन का सवाल है और काउंटर ड्रोन, तो ये दोनों ऐसी टेक्नोलॉजी जो बढ़ती रहेंगी और आगे आने वाले दिनों में ये दोनों तरफ से इस पर कार्रवाई होती रहेगी। वो ड्रोन भेजने की कोशिश करेंगे, हम काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट लगाएं। तो अभी हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि हमने जगह जगह पर काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट भी लगाया हुआ है और हम उन जगहों को भी देख रहे हैं जहाँ पे ये ड्रोन ये गिराता है, वेपन्स गिराता है, उन जगहों को भी हमने AMR कर रखा है और उन जगहों पर भी पहुँच के हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि टेररिस्ट और वेपन का मिलाप ना हो सके। और आपने सही फरमाया है कि आज जो हालात ऐसे हैं कि टेररिस्ट तो है, अगर उसके दिमाग में सोच विचार में बैठा है कोई कार्रवाई करने के लिए भी, तो भी वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास वेपन्स की कमी। जहाँ तक टेररिस्ट का सवाल है, अगर मैं कहूँ कि लॉन्च पैड पे कितने टेररिस्ट अगर बैठे हुए हैं, तो हमारे पास लॉन्च पैड पे तकरीबन, मेरे पास जो फिगर है ये तकरीबन फिगर जाता है 160, जिसमें तकरीबन नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल 130 है और तकरीबन 30 के आसपास यहाँ पे साउथ ऑफ पीर पंजाल है। जहाँ तक आपने पूछा है यहाँ पे नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल और रजौरी पुंछ में कि हिंटरलैंड जिसको हम बोलते हैं वहाँ पर कितने हैं, तो तकरीबन हमारे हिसाब किताब से टोटल 82 पाकिस्तान टेररिस्ट बैठे हुए हैं और तकरीबन 53 जो हैं लोकल टेररिस्ट हैं। परंतु इसके अलावा चिंता का विषय ये है, जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल्स टाइप की जो एक्टिविटी करते हैं जो कि आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, वो तकरीबन 170 टेररिस्ट हमारे पास ऐसे हैं। तो टोटल 300 की मैं नफरी बताना चाहूँगा जो आज के पूरे एरिया में फैली हुई है, परंतु हम यकीन कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार की कार्रवाई ना कर पाए।